मेरा नाम जिगर है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ मेरे गांव में हुई थी जब मैं गांव गया था। वहाँ पर हम चार भाई रुके हुए थे और आप लोग तो जानते ही होंगे कि गांव में वॉशरूम दूर दूर तक होता है। इसीलिए मैं और मेरा एक भाई, जिसको रात के तकरीबन 2 बजे करीब वॉशरूम लगी, उसने मुझे जगाया और कहा कि भाई जरा वॉशरूम तक चलेगा, मुझे रात में डर लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। भाई वॉशरूम के अंदर चला गया और मैं बाहर खड़ा था। उसी बीच मुझे दादी की आवाज़ आई जो कि मुझे बुला रही थी, इधर आओ बच्चा। वैसे वो जो दादी थी वो हमारे मिलने जुलने वाली थी। मैं चुपचाप उन दादी के पास गया। दादी हमेशा वहाँ पर खटिया डालकर रहती थी, वो अक्सर वहीं पर सो जाया करती थी। उनका घर वहीं पास में ही था। मैं जब उनके पास गया तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर चुपचाप सो रही थी। समझ नहीं आया कि आखिर मुझे बुलाने वाला कौन था। और तो और सबसे बड़ी बात, जब मैंने उनके पैरों की ओर देखा तो वो एकदम उल्टे थे। उस वक्त अचानक उन्होंने मुझे डरावनी मुस्कान दी और मैं वहाँ से इतनी तेज दौड़ा कि दोस्तों मैं आज तक कभी इतनी तेज नहीं भाग पाया। मैं सीधा घर पर जाकर ही रुका। हालांकि इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, मगर यही थी मेरी छोटी सी एक डरावनी कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी जिगर की कहानी। हालांकि गांव में अक्सर ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं, मगर इनके साथ जो हुआ वो अचानक बहुत ही डरा देने वाला था। पर खैर, मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं पाकिस्तान के शहर सियालकोट से हूँ। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास एक कहानी है सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर पसंद आई तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना। वैसे ये कहानी मेरी नहीं, मेरे दादा अब्बू और चाचू की कहानी है। मेरे दादा मुझे कहानी सुनाया करते थे। आज से तकरीबन 30 या 35 साल पुरानी बात है। मेरे दादा अब्बू के चाचू आर्मी में सैफ का काम करते थे। उस बीच उन्हें 2 हफ्ते बाद छुट्टी होती थी। इसी तरह जब एक दिन उनकी छुट्टी हुई तो उन्हें बस छोड़ने आई थी, लेकिन उस दिन वो काफ़ी लेट हो गए थे। उस वक्त उनके पास काफ़ी भारी बैग था, बैग के अंदर डॉल वगैरह थी। रात के तकरीबन 11:30 हो चुके थे। उस वक्त उन्होंने सोचा कि आज देर बहुत हो चुकी है, क्यों ना मैं शॉर्टकट लेता हूँ। शॉर्टकट वाला रास्ता जंगल में से होकर जाता था। वो ठीक जब उस रास्ते से जा रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके साथ एक आदमी चल रहा है। उन्हें लगा कि कोई बात नहीं, शायद कोई ताऊ साथ में चल रहे हैं, क्यों ना इनसे बातें करते चलूं। थोड़ी ही देर में उन्होंने पाया कि अचानक वो आदमी गायब हो गया। मालूम पड़ा कि वो आदमी की जगह कोई कुत्ता है। चाचा जी एकदम डर गए, सोचने लगे कि आखिर वो आदमी कहाँ गया, इतनी रात को ये कुत्ता कहाँ से आ गया। इसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत आई। बस चाचा समझ चुके थे, उन्होंने फ़ौरन बैग को वहाँ पर फेंका और वहाँ से भागने लगे। पीछे से आवाज़ आई कि कहाँ जा रहे हो मुझे ऐसे छोड़ के। पर चाचा जी ने मन में कुरान की आयतें पढ़ी और लगातार भागते भागते घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया। उस वक्त वो बहुत पसीने में थे। दरवाज़ा खोलते ही अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो। चाचू ने एक ही बारी में सारी बात बता दी। दादू ने कहा कि वहाँ पर जिन वगैरह रहते हैं और ऐसे रात के वक्त जंगल वाले रास्ते से आना ठीक नहीं था। दोस्तों, उस दिन के बाद से उनको 1 हफ्ते तक बुखार रहा। पर मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी इतनी खौफनाक तो नहीं है, मगर पक्का महेश सर मेरी इस कहानी को अपनी आवाज़ ज़रूर देंगे। बाकी मेरे दादा अब्बू और चाचू की डेथ हो चुकी है और अब हम सभी दादी अम्मी के साथ दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी इनके अब्बू की कहानी। हालांकि वो जिंदा तो नहीं है, मगर जो कहानी इन्होंने सुनाई, इस तरह की कई कहानियां मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ। कहीं ना कहीं लगता है कि सच में ऐसा कुछ होता है। बाकी दोस्तों, ले चलता हूँ आपको हमारी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम सोमा है और ये कहानी मेरे खुद के साथ बीती हुई घटना है। आज से तकरीबन 9 साल पहले, तब मैं 15 साल की थी, एक दिन रात के 2-3 बजे के करीब खबर आई कि मेरी दीदी के सास को हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया है। मेरी दीदी का घर हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं, मम्मी और पापा तीनों के घर की ओर निकल पड़े। सच कहूँ तो वैसे तो मैं भूत प्रेत से बहुत डरती हूँ और मैं अकेले अपने रूम में भी नहीं बैठती, लेकिन उस दिन आधी रात को मैं चलते हुए दीदी के घर जा रही थी। मैंने उस वक्त मम्मी पापा किसी का भी हाथ नहीं पकड़ा था। आधी रात को बिना हाथ पकड़े मैं जल्दी उनके घर पहुंचना चाहती थी। किस्मत से हम आराम से वहां पहुंच गए। फिर जाकर देखा कि सब लोग बॉडी को बाहर बरामदे में लेकर बैठे हैं।
मैं भी ठीक उनके पास जाकर बैठ गई और उनका चेहरा देखने लगी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं जब 6 साल की थी तब मेरी दीदी की शादी हुई थी। खैर, थोड़ी देर के बाद उनके हाथों में अपना हाथ रखा, उस बीच मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथों को उन्होंने कसकर पकड़ा हो। जैसे तैसे मैंने अपना हाथ छुड़वाया, लेकिन सच कहूँ तो ये बात मैं किसी को बता नहीं पाई। मेरे मन में ये चल रहा था कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है, फिर सोचा कि ये फिल्म थोड़ी ना है, मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे होगा। पर खैर, उनकी अंतिम क्रिया हो गई। मेरी दीदी को पता नहीं था कि वो उस वक्त प्रेग्नेंट है। फिर 10 महीने बाद दीदी को लड़का हुआ। 1 महीना बीत गया। एक दिन मैं अपने भांजे को एक रूम से दूसरे रूम की ओर ले जा रही थी कि तभी मुझे एक औरत की परछाई दिखी। उसके बाल खुले हुए, लेकिन जिस दिशा में वो परछाई दिखी उस तरफ एक दरवाजा है जो कि बंद था। सच कहूँ तो ये देखकर मैं एकदम से भागी। दीदी ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। दोस्तों, मैंने इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं ऐसे साया परछाई देखकर सबको बोल देती थी और कोई विश्वास नहीं करता था। तो मैंने यही सोचा कि बोलकर कोई फायदा नहीं है। मगर वो परछाई घर में घूमती थी तो मुझे दिखती थी। सच कहूँ तो मैंने दीदी के घर जाना कम कर दिया है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद मेरी दीदी की जेठानी को वो परछाई दिखी। लेकिन जब उन्होंने सबको बताया तो सबने उनके ऊपर यकीन किया और ठीक किसी बाबा को दिखाया। बाबा ने बताया कि उनकी सांस की अतृप्त आत्मा है, कुछ दिन संभल के रहना, 1 साल पूरा होते ही ये अतृप्त आत्माएं चली जाती हैं। खैर, 1 साल पूरा हुआ और 6 महीने बीत गए। दीदी की ननद आई हुई थी तो अचानक रात को उन्हें खिड़की थपथपाने की आवाज़ आई। खिड़की कांच की थी तो उन्होंने बिना लाइट जलाए झाँक कर देखा कि आखिर कौन है। नजरें बाहर गई तो वो खिड़की के पास डर के मारे बैठ गई। उनको देखकर दीदी के ससुर ने पूछा कि क्या हुआ, कौन है बाहर, कुछ तो बोल। तभी अचानक फिर से आवाज़ आई तो उनसे ना पूछकर वो खुद ही देखने चले गए। उन्होंने जैसे ही खिड़की से बाहर की तरफ झाँक कर देखा तो पाया कि उनकी पत्नी वहाँ खड़ी थी। वो अपनी पत्नी को देखकर अचंभित रह गए। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्यों जी, खिड़की खोलो। वो बार बार खिड़की खोलने की जिद करने लगी, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली। कहने लगी कि मैं आपकी वजह से जा नहीं पा रही, अगर मुझे पता होता कि आप मुझे ऐसे इग्नोर करेंगे तो मैं पहले ही चली जाती। ठीक है, तुम खुश रहना, मैं अब कभी नहीं आऊँगी। दोस्तों, इन सबके बाद से उनको कभी किसी ने नहीं देखा। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये एकदम सच है। इसी के साथ मैं आपको एक दूसरी कहानी भी सुनाया चलती हूँ जो कि मेरे साथ घटी थी। साल 2022 में मैं और मेरे पति अपनी 3 साल की बेटी को लेकर उनकी दोस्त की शादी में गए थे। शादी तेजपुर में थी, वहाँ मेरा मायका है। सच कहूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जहाँ हम शादी अटेंड करने गए थे वहाँ बहुत दूर दूर तक धान की खेती थी। साथ ही वहाँ पर एक स्कूल भी था। माँ का व्यू इतना अच्छा था कि मैं अकेले पंडाल के बाहर घूम फिर रही थी। उस वक्त शायद रात के 2 या 3 बज रहे होंगे, पर खैर 4 बजे के करीब मेरे जीजा जी वहाँ हमें घर ले जाने के लिए आए क्योंकि मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। सच कहूँ तो वहाँ सोने की जगह भी नहीं थी, पर खैर हम जीजा जी के साथ चले गए। उस बीच सब कुछ सही था। वैसे हम गुवाहाटी के चंगसारी में रहते हैं। इसके 3 महीने बाद मेरी बेटी एक दिन दौड़ के घर से बाहर निकल गई। कहने लगी कि छोटा भाई आया है। वैसे दोस्तों, वो हमेशा इसी तरह दौड़ लगाया करती थी छोटे भाई के साथ। उसे अक्सर उसके साथ खेलना होता था, लेकिन हम उसकी बातों को टाल दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन मेरी सहेली उसको घुमाने के लिए बाहर ले गई। उस वक्त मैं घर पर थी। अचानक मुझे मेरी सहेली की चिल्लाने की आवाज़ आई। दोस्तों, उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। मेरी सहेली वापस आते वक्त सीढ़ियों में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। कहने लगी कि सोमा जल्दी आ, पता नहीं तेरी बेटी को क्या हो गया। दोस्तों, मेरी बेटी की बहन थोड़ी तोतली थी, लेकिन हम समझ जाते थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बोला कि छोटा भाई मुझे आंटी की गोद से खींच रहा था। हम लोग एकदम से डर गए कि आखिर क्या बात है, ये कौन से छोटे भाई की बात कर रही है। दोस्तों, उस दिन रात को मेरी बेटी बार बार चिल्लाकर उठ रही थी। हम तुरंत ही उसको किसी को दिखाने के लिए ले गए। दोस्तों, उन्होंने बताया कि मैं किसी दूर जगह गई थी, वहाँ से मेरे साथ एक छोटे बच्चे की आत्मा मुझे उसकी माँ समझ कर आ गई, लेकिन अब वो मेरी बेटी को सहन नहीं कर पा रही है। वो चाहता है कि मेरी बेटी को मार दे, वो बस अकेला मेरे साथ रहना चाहता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मेरी आंखों से पानी निकल गया। फिर उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक ताबीज़ दिया और 1 महीने तक रखने को कहा। 2-3 दिन बाद मैंने
मेरी बेटी से पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। पर एक दिन दोस्तों मैंने पाया कि मेरी बेटी खिड़की से किसी को देखकर हंस रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? तो उसने बताया कि माँ वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। दोस्तों वो आम का पेड़ था, लेकिन वो हमारी खिड़की से दिखता जरूर था। हाँ, पेड़ थोड़ी दूरी पर था। दोस्तों फिर मुझे तसल्ली हुई, पर यह कहानी लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। वैसे सही कहूँ तो यह कहानी आप सबके लिए छोटी सी है, पर दोस्तों ये बात मेरी आप बीती पर आ गई थी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ताकि मुझे आशा है कि आर्य जी मेरी कहानी को जल्द ही यूट्यूब पर डालेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी इनकी दो कहानियाँ, उम्मीद है आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम शिखर है, मैं 22 साल का हूँ। ये बात तब की है जब मैं 12th क्लास में था। 2019 में मैं और मेरा दोस्त कोचिंग जाया करते थे। हमारी कोचिंग घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। उस वक्त हम स्कूटी से जाया करते थे। मेरे दोस्तों का नाम लक्ष्य, अनमोल, राजा, प्रियांश था। मेरे दोस्तों में राजा और अनमोल के पास ही स्कूटी थी। हम 5-7 ही जाते थे। एक दिन हमारे दोस्त प्रियांश की तबीयत खराब होने की वजह से उसने कोचिंग जाने से मना कर दिया। हमने सोचा कि स्कूटी पे चलते हैं। हम चार एक ही स्कूटी पर निकल गए। हमारी कोचिंग के पास एक छोटा सा मार्केट था, तो मेरे दोस्त अनमोल ने कहा कि आज कुछ खाते हैं। सबने कहा ठीक है। हमने मार्केट में खाया पिया, जिसके कारण हमें बहुत लेट हो गया। लक्ष्य घर हमारे घर से थोड़ा दूरी पर था। उसने कहा कि अब चलते हैं। हमें मार्केट में 9 बज गए थे, हम वहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में हमारी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया, पर मेरे दोस्त लक्ष्य ने कहा कि जल्दी चल यहाँ से। मैं शॉक्ड था, ये सब क्या हो रहा है। हम सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर हमें लगा कि हमारे पीछे कोई जल्दी से आ रहा है। हम थोड़ा और तेज चलने लगे। थोड़ी ही देर में अनमोल राजा के पास पहुंच गया। उन्होंने पूछा कि कहाँ रह गए। उन्होंने लक्ष्य को देख के कहा कि इसे क्या हुआ। वो बस एक ही बात बोलता रहा कि जल्दी चलो यहाँ से। इसके बाद हम अपने अपने घर पहुंचे। राजा अनमोल अपने अपने घर चले गए। लक्ष्य से मैंने बोला कि आज रात तू मेरे घर पर ही रुक जा, और फिर हम दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो गए। सुबह उठे तो पाया कि लक्ष्य को बहुत तेज बुखार था। हमने उठ गए, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने घर वालों को बताया। इसके बाद हमारे घर वाले हमें मंदिर लेकर गए। तब से लेकर अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सच कहूँ तो उस रात के पल को सोचकर हम आज भी बहुत डर जाते हैं। समझ नहीं आता कि अचानक लक्ष्य को हो क्या गया था। उसके हाव भाव ऐसे थे कि हमें उससे डर लगने लगा। हालांकि इसके बाद से मैंने वहां कोचिंग जाना बंद कर दिया। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। मुझे उम्मीद है इस नए साल की शुरुआत में आप सबको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अब वक्त है मुझे अपनी आवाज को विराम देने का। बाकी मैं मिलता ही रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।